तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ। तो ये रहा खेसारी लाल भैया का FLP प्रोजेक्ट को न्यू कंपोज किया हुआ है। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ में छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप सभी को मैं बता दूँ, आप सभी को जैसे कि नीचे देखिए सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर दिखाई दे रहा होगा 1K। आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर आप सब मुझे सपोर्ट किए और 1K सब्सक्राइबर पुगा दिए, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और चलिए सुनते हैं FLP प्रोजेक्ट। वीडियो लंबा हो जाता है और आप सब देखते नहीं हैं। FLP अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर तो मत कीजिएगा। आप सब शेयर नहीं करते हैं मुझे पता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसा है ये FLP प्रोजेक्ट बना हुआ है। खेसारी लाल भैया का FLP प्रोजेक्ट है, जो कि पूरा न्यू कंपोज किया हुआ, एकदम न्यू कंपोज है। और आप सब FLP डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए। और MP3 डीजे ट्रैक म्यूजिक डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों के दोनों लिंक है, आप सब जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और FLP और MP3 डाउनलोड करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि पासवर्ड कहीं पर भी आ सकता है। स्किप करेंगे तो कहीं पर भी पासवर्ड आ सकता है। थोड़ा सा भी पासवर्ड में प्रॉब्लम आया तो पासवर्ड रॉन्ग बताएगा। तो आप सब पासवर्ड के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और पासवर्ड स्टेप बाय स्टेप है, 10 स्टेप में पासवर्ड है। फ्रेंड्स, मैं बीच में आप सभी को बताऊंगा ये सॉन्ग्स के मास्टरिंग कैसे किया हूँ और क्या क्या किया हूँ इस FLP प्रोजेक्ट में, वो सारे के सारे मैं डिटेल्स आप सभी को बताऊंगा बीच में। तो आप सब शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और ये जो पियानो क्रिएट किया है वो थोड़ा पावरफुल है, इसके कारण से थोड़ा रुक रुक कर साउंड आएगा। बीट और पियानो दोनों में मास्टरिंग किया हुआ है, वो सब के सब मैं आप सभी को डिटेल्स बीच में बताऊंगा। तो चलिए सुनते हैं कैसा है FLP प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो पियानो क्रिएट किया हुआ है उसमें भी मास्टरिंग किया हुआ है। आप सभी को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। पहले मैं मिक्सर अपना खोलता हूँ, देखिए ये रहा मिक्सर। और मिक्सर में ये देखिए जो सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स में ये मास्टरिंग किया हुआ है। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हटाने के लिए ये हमने यूज किया हुआ इतना VST प्लॉगिन, जो कि देख सकते हैं आप 5 VST प्लॉगिन है। ऐसे हमने इस सॉन्ग्स का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो किट बोलते हैं, वो सब के सब मैं उसमें से हटाया हूँ। और ये मास्टरिंग में देखिए, मास्टरिंग में रिवर्ब भी यूज किया हुआ है और ऑटो टोन भी मैं यूज किया हूँ, लेकिन दूसरा ऑटो टोन है जो कि FL स्टूडियो में ऑलरेडी रहता है। तो आप सभी को मैं इसमें इस प्रोजेक्ट में बता दूं कि एक ऑटो टोन FL स्टूडियो में भी रहता है छोटा सा, वो मैं बता देता हूँ। देखिए पहले चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रूटी पैरामीटर EQ है और इसके बाद में जो है वो है ऑटो टोन। तो ये है FL स्टूडियो का ही ऑटो टोन है, पीचर है, पीचर मास्टर। आप सब इसका यूज कीजिएगा न्यू कंपोज करने के लिए, ऑटो टोन का जरूरी नहीं पड़ेगा। पीचर में हमने इसमें कुछ मास्टरिंग किया हूँ। आप सभी को चाहिए तो मैं VST प्लॉगिन भी आप सभी को दे दूंगा। आप सब कमेंट में जाकर बताइएगा, कम से कम 5 कमेंट होना चाहिए। आप सब देख चुके हैं कि सॉन्ग्स में कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक हटाए हैं और क्या क्या मास्टरिंग में हमने किया हूँ, वो सब के सब मैं आप सभी को दिखा दिया हूँ। देखिए यहाँ से 5 है सॉन्ग्स का बैकग्राउंड हटाने के लिए, 5 है। जो VST प्लॉगिन है वो सारे के सारे VST प्लॉगिन FL स्टूडियो का ही है, कुछ अलग सा नहीं है। जो कि ऑटो टोन मैंने बताया था, तो ऑटो टोन भी अलग का नहीं है, FL स्टूडियो में क्या है। तो चलिए अब चलते हैं, सुनते हैं कैसा है आगे का FLP प्रोजेक्ट बना हुआ। थोड़ा रुक रुक कर साउंड आ रहा है, क्योंकि पावरफुल प्लगइन VST के कारण से ये रुक रुक कर साउंड आ रहा है। तो चलिए सुनते हैं आगे का FLP प्रोजेक्ट कैसा है। फ्रेंड्स,
मैं आप सभी को एक और बात बता दूं, जो ये सॉन्ग्स रुक रहा है वो ट्रैक में नहीं रुकेगा, और आप सब एफएलपी प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे उसमें भी नहीं रुक रुक कर बजेगा, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आने के कारण से ये रुक रुक कर बज रहा है। तो चलिए सुनते हैं आगे का एफएलपी प्रोजेक्ट। वीडियो लंबा हो जाता है, आप सब देखना नहीं चाहते है लंबा वीडियो, तो चलिए देखते हैं आगे कैसा है एफएलपी प्रोजेक्ट बना हुआ। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, एफएलपी प्रोजेक्ट आप सब डाउनलोड करते हैं और उसमें कुछ ओपन नहीं होता है तो कमेंट में जाकर मत बताइएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने पियानो क्रिएट किया हूँ वो वीएसटी प्लगइन में कुछ परचेज करके लाया हूँ, और एफएलपी में आप सभी को कुछ नहीं खुलेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने परचेज करके लाया हूँ। वो प्लगइन भी मैं दूंगा जब मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, आप सबके सपोर्ट से सब्सक्राइबर तो पूरा हो चुका है और वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं आप सभी को फ्री में प्लगइन दूंगा जो कि मैं परचेज करके लाया हूँ। तो ये प्लगइन में थोड़ा कुछ अलग सा ही, ये एफएल स्टूडियो का प्लगइन नहीं है, कुछ है इसमें एक दो एफएल स्टूडियो का ही प्लगइन है, तो वो ओपन होगा इस एफएलपी में, वो वीएसटी प्लगइन ओपन होगा जो कि एफएल स्टूडियो का ही है, और जो मैंने अलग से परचेज करके लाया हूँ वो नहीं ओपन होगा आप सब इस एफएलपी को डाउनलोड करते हो तो चलिए आप सब डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन इसमें जो है आपको फायदा बहुत मिलेगा, कैसे मास्टरिंग किया हुआ है सॉन्ग्स को, बैकग्राउंड म्यूजिक हटाने के लिए कौन कौन सा इफेक्ट मैंने यूज किया हुआ, वो सब वीएसटी प्लगइन आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और ये बीट है वो सब के सब आप सभी को देखने को मिल जाएगा, कैसे बीट बिछाया हुआ है, कैसे कैसे पैटर्न बनाया हुआ है, और कुछ इसमें पियानो भी बजेगा, नहीं बजेगा वो बात नहीं है, एक दो नहीं बजेगा, नहीं तो सारे के सारे बजेगा। और चलिए सुनते हैं आगे कैसा है एफएलपी प्रोजेक्ट, रुक रुक कर तो बज रहा है, चलिए सुनते हैं कैसा है एफएलपी प्रोजेक्ट आगे का। और फ्रेंड्स मैंने जो सॉन्ग्स एक नेपाली सॉन्ग्स गाया है आप सभी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सब इंडिया के हैं, आप सब मेरे नेपाली गाना नहीं सुने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा सॉन्ग्स का, आप सब जाकर वो सॉन्ग्स सुन सकते हैं, और लाइक कमेंट कर दीजिए और थोड़ा प्लीज शेयर कर दीजिए, और आप सब थोड़ा सपोर्ट दिखाइए उस सॉन्ग्स के ऊपर, जैसे मुझे सपोर्ट करते हो वैसे उस सॉन्ग्स को भी सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर थोड़ा कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कैसा है फिर भी प्रोजेक्ट सुनते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब पूरा का पूरा एफएलपी प्रोजेक्ट सुन चुके हैं, थोड़ा रुक रुक कर साउंड आ रहा था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सब भी मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरे सॉन्ग्स को भी सपोर्ट कीजिए, जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर मेरा सॉन्ग्स सुनिए, और नेपाली सॉन्ग्स है आप सभी को समझ में नहीं आए तो भी एक लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा जाकर कमेंट कर दीजिएगा, और जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं उससे भी कई गुना आगे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप सभी को सपोर्ट करूंगा, और जैसे कि मैं बताया था आप सभी को मैं पैक फाइल भी दूंगा, तो 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, कम्युनिटी टैब आने दीजिए, मैं अपना पैक फाइल भी आप सभी को शेयर करूंगा आप सभी के साथ।
चलिए अब चलते हैं, वीडियो में लगाते हैं द इंडस्क्रीन। यदि आप सभी को पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जाकर पासवर्ड प्रॉब्लम सॉल्व मेरा जो वीडियो है वो जाकर आप सब देख सकते हैं। और एफ एल पी ओपन करने नहीं आता है वो भी वीडियो मैंने बनाकर ऑलरेडी अपने चैनल पर रख चुका हूँ, आप सब जाकर वहां से देख लीजिएगा। और चलिए वीडियो में लगाते हैं द इंडस्क्रीन, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लव यू गाइज, बाय बाय।